नोएडा प्राधिकरण शहर में रह रहे पालतू कुत्तों पर हुई सख्त। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नोएडा में कुत्तों की बढ़ती तादाद एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। खास तौर से आवारा कुत्तों ने अनेक क्षेत्रों में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्राधिकरण ने फिलहाल पालतू कुत्तों और बिल्लियों के लिए पंजीकरण के लिए आज नोएडा में मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया है। उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। वन इज की ऑनलाइन इसकी पेमेंट भी हो गया है, और दूसरा जैसा अभी बताया गया उसमें ब्रॉडली दो फीचर्स हैं। वन इज रजिस्ट्रेशन, सेकेंडली अगर कहीं पे कोई किसी को पेट, जो दूसरों के पेट हैं उससे संबंधित कोई शिकायत है तो वर्ड में 500 रुपये है और अगर उसके बाद भी रेकर होता है पेट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बेसिकली क्योंकि सोसाइटी में नंबर ऑफ पेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लगातार ये सुझाव आ रहे थे कि इसका एक डेटाबेस भी होना चाहिए, और कुछ कुछ RWS के इश्यूज आते रहते थे जिसमें ये था कि चाहे सैनिटेशन से रिलेटेड है या डॉग बाइट से रिलेटेड इश्यूज जो हैं पेट डॉग्स के, उनको टैकल करने के लिए ये ऐप बनाने का सोचा गया। और पहले पूरी प्रक्रिया में अलग तरीके से उसमें जो पेट डॉग्स हैं उनकी टैगिंग की भी बात हो रही थी, लेकिन टैगिंग में हम लोगों ने टेंडर भी कई बार निकाला, कोई एजेंसी नहीं आई। एट द सेम टाइम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑब्जेक्ट भी किया कि उसमें पेट डॉग्स को या कैट्स को टैग ना किया जाए। उसको देखते हुए ये मोबाइल ऐप फिर हम लोगों ने बनाना शुरू किया और एंड्रॉयड वर्जन लाइव हो गया है। iOS वाले में क्योंकि अप्रूवल्स में टाइम लगता है तो होपफुली बाय 1st or 2nd of October इट विल बी लेट। हालांकि इस पंजीकरण कराने की शुरुआत पहले ही कर दी गई थी। पंजीकरण कराने के लिए लोगों को ऑनलाइन 1000 फीस देनी होगी। वहीं नोएडा प्राधिकरण के CEO रितु महेश्वरी ने बताया कि इस ऐप्स को नोएडा पेट रजिस्ट्रेशन ऐप्स के नाम से लॉन्च किया गया है और इस ऐप्स में पंजीकरण की स्थिति, शिकायत दर्ज कराना, सर्टिफिकेट रेन्यूअल कराना और कंप्लेंट हिस्ट्री का ऑप्शन दिया गया है। वहीं इस ऐप्स को लॉन्च करने का मकसद शहर में पालतू कुत्ते और बिल्लियों का डाटा तैयार करना है। डाटा तैयार हो जाने पर आने वाले शिकायतों का निस्तारण तेजी से किया जाएगा।